कैसे हैं सब लोग। आज हम आपको इम्तियाज का विजिट करवाएंगे, यानी मुसाकुल माल का विजिट करवाएंगे, उसमें इम्तियाज भी है। इस वक्त हम लाहौर शेखुपुरा रोड पर हैं। ये देखिए जी, आज हमारे साथ भी रखे हैं। देखो हैंडल करो, आप पहले भी आती हो इम्तियाज? चलो अंदर जाकर बताइए। हम मुसाकुल माल आ गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स भी आ चुके हुए हैं। ये जी हमारी मीरब जा रही है इम्तियाज पे, आप भी साथ रहिएगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ये इम्तियाज की एंट्रेंस है और हम इम्तियाज के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, जी सबसे पहले इम्तियाज पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। कुकिंग रेंज काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। हम आज खास तौर पे स्टॉक लेने के लिए हैं। ये देखिए जी, हमने खरीद भी लिया है। ये देखिए पैक होके भी हमारा आ चुका है। अब कुछ हम बर्तन वगैरह लेंगे, नया चूल्हा लिया तो नए बर्तन भी तो कुछ होंगे साथ। ये सारा कुछ हमने महविश के लिए लिया। महविश ने कुकिंग सीखनी है तो उसकी मम्मा ने कहा है कि उसके लिए हमें शॉपिंग करनी है। यहाँ पर घरेलू सामान और बहुत कुछ पड़ा हुआ है, जैसा कि ये देखें चॉपर मशीनें और भी काफ़ी सारी हैं। कीमे वाली मशीनें हैं, जूस वाली मशीनें हैं, ये सारी घरेलू इस्तेमाल वाली सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। ये देखें कीमे वाली मशीनें। बड़ी खूबसूरत यहाँ पर क्रॉकरी भी अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे देखिए जी, वाटर सेट भी यहाँ पे काफी अच्छे पड़े हुए हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, यहाँ पे हसीन हसीन गिलास पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए गाड़ी में रखने वाले गिलास भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। वाओ, ये देखिए नॉनस्टिक बर्तन आ चुके हैं, बेलन पकड़ लिया मीरम ने। ये देखिए यहाँ से भी शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे जी बेड सेट पड़े हुए, सिंगल भी हैं और डबल भी हैं। ये जी टॉय सेक्शन है, बच्चों की फेवरेट जगह। यहाँ से बच्चों को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। ये स्पोर्ट्स का सामान भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए जी, ये देखिए एक्शन चेक करें, एक्शन बच्चे के एक्शन। ये देखिए जी क्या कमाल की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, बहुत प्यारी प्यारी। यहाँ से तो मीरब का निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने मीरब को यहाँ से निकाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पर आगे और भी बहुत कुछ सामान अवेलेबल है। ये देखें जैसे कि ये मीरब के साइज की गुड़िया भी अवेलेबल है यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि हमारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। और अपने प्यारों के साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जी न्यू बॉर्न बेबी सेक्शन है, यहाँ पे देखिए जी अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हुए हैं।
अगर आप मार्केट से कुछ भी सामान लेते हैं तो दुकानदार आपको रेट से ज़्यादा बता के फिर कम करते हैं, बहस करनी पड़ती है। यहाँ पर ऑलरेडी सामान जो पड़ा हुआ है सारा मुनासिब रेट पर पड़ा हुआ है, बड़ा मकबूल रेट पर है। जैसा कि ये देखें कारें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये आगे फ्रॉक्स वगैरह आ गए हैं, बच्चों के कपड़े और भी मुख्तलिफ किस्म के पड़े हुए हैं यहाँ पर। हमने फैसलाबाद के तीनों मॉल्स का आपको विज़िट करवा दिया है। पहले हमने आपको मेट्रो दिखाया, फिर हमने आपको चेज़अप दिखाया, अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा मॉल ज़्यादा पसंद आया। वैसे मेरी अपनी राय है, मुझे ज़्यादा इम्तियाज़ ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि यहाँ पर रेट्स बहुत अच्छे होते हैं और चीज़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जी ये परफ्यूम सेक्शन है सारा, और इधर सामने साइड पे सारा मेकअप का सामान है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ब्रांड्स पड़ी हुई हैं, मेबलिन वगैरह, क्राइलोन वगैरह, ये जी सारे स्टिच कपड़े शुरू हो चुके हैं। ये देखिए सिर्फ 600 में ये देखिए शर्ट है। हम अपनी ज़्यादातर ग्रॉसरीज और मंथ का जो भी राशन वगैरह होता है हम यहीं से लेते हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत मुनासिब रेट पर और अच्छी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको नीचे बेसमेंट का विज़िट करवाएंगे जहाँ पर ग्रोसरी और घरेलू बाकी तमाम चीज़ें हैं। ये ऊपर सेक्शन गारमेंट्स का है, यहाँ पर लेडीज़ गारमेंट्स, जेंट्स गारमेंट्स, स्टिच कपड़े और अनस्टिच कपड़े, हर तरह के कपड़े यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर ज्वेलरी की बहुत अच्छी वैरायटी अवेलेबल है। अब हम ग्रोसरी सेक्शन में जा रहे हैं, नीचे बेसमेंट में जो कि मौजूद है वहाँ का आपको विज़िट करवाते हैं। ये देखें जी ईद की तैयारियाँ इन्होंने करनी भी शुरू कर दी हैं क्योंकि ईद नज़दीक आ रही है, तो ईद का सामान इन्होंने लगा दिया बाहर। ये मीट सेक्शन है, यहाँ पर फिश, चिकन, चिकन के पार्ट्स और बीफ और मटन का कीमा और उसके स्पेयर पार्ट्स सेपरेटली भी मिल जाते हैं आपको यहाँ से, जो कि मुनासिब रेट पर अवेलेबल है यहाँ पर। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल सेक्शन है जिसे हम मंडी भी कह सकते हैं। ये देखें यहाँ पर काफ़ी अच्छे फ्रूट्स और काफ़ी अच्छी किस्म की सब्ज़ियाँ और डीसी रेट पर सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं। डीसी रेट से मुराद जो गवर्नमेंट का रेट होता है उस रेट पर आपको यहाँ पर सब्ज़ियाँ और फल मिल जाते हैं। यहाँ से हमने कुछ फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ घर के लिए ली हैं जो कि बड़े अच्छे रेट पर मिल गई हैं। इसका यहाँ से लेने का फ़ायदा ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, हमें रोकने वाला नहीं है कोई। अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो आपको आधी चीज़ वो ख़राब दे देते हैं, आधी चीज़ सही होती है, आपको वो ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। यहाँ पर बटर की वैरायटी पड़ी हुई है काफ़ी सारी। इसी के आगे कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन है, ये देखें कोल्ड ड्रिंक की काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है यहाँ पर। ये देखें जी यहाँ पर चीज़ कितनी किस्म की पड़ी हुई है, पिज़्ज़ा चीज़ है यहाँ पर, आइसक्रीम के रेट बड़े अच्छे मुनासिब रेट पर अवेलेबल है। ये देखें हमने आइसक्रीम भी ले ली है। ये यहाँ पर फ्रोज़न आइटम्स की वैरायटी, काफ़ी ह्यूज वैरायटी यहाँ पर पड़ी हुई है फ्रोज़न आइटम्स की, ये देखें जी। ये कंटीन और बेकरी का एरिया शुरू हो गया है, यहाँ पर आप बैठ के कंटीन से कुछ भी चीज़ लेके खा सकते हैं। ये देखें ये बेकरी प्लस कंटीन है, यहाँ पर लाइव बेकरी है। ये देखें केक कितने प्यारे पड़े हुए हैं, ये इस साइड पर इनकी बेकरी है, यहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं कि क्या बना रहे हैं वो, इनके केक बहुत अच्छे होते हैं। ये बिस्किट देखें कितनी वैरायटी पड़ी हुई है बिस्किट की, यहाँ पर इनके समोसे बड़े मज़ेदार होते हैं जी, और यहाँ पर इन्होंने कुछ नई वैरायटी भी ऐड की है, पास्ता सिर्फ दे रहे हैं 200 रुपीज़ में, ओनली 200 में।
खाना पीना हो गया जी, चलिए जी अब ग्रोसरी सेक्शन में चलते हैं और यहाँ से कुछ लेते हैं चीज़ें। ये देखें जी, ये लोशन वगैरह है यहाँ पर पड़े हुए हैं। हमारी मीरब के चलने की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, हमने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पर की हुई है ताकि आपको पूरा इम्तियाज़ दिखाया जा सके। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और ये हमने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को इम्तियाज़ दिखाया जा सके कि फैसलाबाद में इम्तियाज़ कैसा है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है, हमने बड़ा रिस्क लेके बनाई है आप लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर मेडिसिन सेक्शन भी बना हुआ है और यहाँ पर आपको बाज़ार से डिस्काउंट रेट पर मेडिसिन दस्तियाब होती हैं और ओरिजिनल मेडिसिन दस्तियाब होती हैं। और ये देखें जी, ये पापड़ शापड़ शुरू हो गए हैं जी, इम्पोर्टेड पापड़, देसी पापड़ और हर किस्म के पापड़ ही पापड़ स्नैक यानी स्नैक्स आपको यहाँ से सारे किस्म के मिल जाएंगे। चलिए जी, अब हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और आपने भी काफ़ी लंबी वीडियो देख ली, अब हम अपना बिल करवाते हैं और घर को चलते हैं। तब मैं आपको बाइट की कंटीन भी दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी जूसेस वगैरह अवेलेबल हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है जी, ये देखिए चिप्स है, बर्गर है, सालन है, काफी ज्यादा पड़े हुए, कड़ी, कोरमा वगैरह। बेगम ये लाइव किचन इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर पिज्जा वगैरह भी अवेलेबल है। ये देखिए बारबेक्यू भी यहाँ पे अवेलेबल है, अफगानी बोटी यहाँ की बड़ी मजेदार होती है। ये देखिए लाइव आपको पास्ता पिज्जा वगैरह बेक करके देंगे। अब हम वापस जाने लगे हैं, गाड़ी की तरफ जाएंगे, उसमें सामान सारा रखेंगे, फिर हम घर पर चले जाएंगे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मिसाकुल माल का विज़िट करवाएंगे। आज हम मिसाकुल माल में आए तो ज़रूर थे लेकिन हमने आपको विज़िट इम्तियाज़ का करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मिसाकुल माल का पूरा विज़िट करवाएंगे। अब मिसाकुल माल में काफ़ी सारे ब्रांड्स आ चुके हुए हैं जैसा कि KFC, मैकडोनल्ड और बाटा सर्वस, बहुत सारी ब्रांड्स की दुकानें बन चुकी हैं। अब हम वापस जाने लगे हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा, मीरब का व्लॉग आपको कैसा लगा। मीरब आपको मज़ा आया? बहुत। थक गई काफ़ी है ना, थक गई हो? ठीक है तो चलिए जी, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। मोमेंट में याद रखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।